लूट लूट महालूट राज्य सारा लघु खनिज द्रव्यर महालूट लुटिबा पई सत्य जेमिति सहाण मेला आ कुंभकर्ण निद्रा रे सरकारी बाबू मालकानगिरी जिला प्रशासन नारे आसी सांघातिक अभियोग अभियोग आनी पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी एक कोटी टंका आउ एनजी हेक्टर गाड़ी लांच नहीं सातोटी खणी को जने ग्रानाइट खणी मालिकों हाथ में टेकी मालकानगिरी जिला प्रशासन मुखिया एपरिक 20 तारीख टेंडर प्रक्रिया सरी बेले जिला प्रशासन मुखिया टेंडर बाक्स को निज घरे रखी टेंडर फिक्सिंग करिथिबार संगीन अभियोग आनी कांग्रेस नेता प्रदीप माझी आ सांबादिक सम्मेलन में दस्तावेज रखी जिला प्रशासन भूमिका को करिछंति खुलासा दावी जनाऊँ जिला प्रशासन और ओडिशा सरकार पाखे जदि समस्त टेंडर को बातिल करा न जाए एवं जो माने सॉल्वेंसी पेपर इश्यू करिछंति एवं टेंडर फिक्सिंग रे शामिल अछंति मोटू आरआई ठारु आरंभ कर जिला कलेक्टर पर्यंत समस्त विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग करा न जाए एवं सेमान को निलंबन न करा जाए ताला आगामी दिन में जिला कलेक्टर ऑफिस आगामी 4 तारीख पर घेराव करा जिवो एवं संपूर्ण जिला को अचल कर दिया जाए। ए दृश्य पर नजर पकांतु एठारे खुलम खुला चली मांखड़ा पथर लुट ढेंकानाल गोंदिया ब्लॉक निहाल प्रसाद अंचल पथर माफिया माने राजस्व लुटुवा बेले हाथ टेकी खोद राजस्व विभाग कर्मचारी और पुलिस प्रशासन पथर माफिया माने मांखड़ा पथर चोरा चलाण करने राजस्व लुटी चलुवा बेले जिला प्रशासन निरवता को नहीं प्रश्न उठाई स्थानीय अंचलवासी जबड़े दृश्य होउछि खोर्धा जिला टांगी अंचल आउ एठी वृषबंधु पहाड़ खुलम खुला चली कला पथर लुट ग्रामवासी वीर सत्वे राजस्व विभाग कर्मचारी किंतु चापरे पड़ चुप माकड़ा खादान करुंच पथर माफिया मैंने फरेस्ट लैंड रे आम जमी ता तले अच्छी आम जमी की जीवाई बाट नहीं आम बंद करूँ से आम कथ मानिले आम पुलिस सहाय नेलु पुलिस भी आम कथ कि शुणिलानी आम पुलिस पाखे अभियोग कलु पुलिस से मैं गोटे पैसा खाई ए सी कहले आमर से कम नुहे तुम जापर जना सेपटे जाजपुर धर्मशाला बदय विछाखंडी पहाड़ में होता वैन खणी पथर लुट घटनार तदंत विजिलेंस पक्षर कर मामलें लोकायुक्त पाखे शुणाणी होता विजिलेंस तदंत अवधि 2 मास पड़ी सेपटे तहसिल प्रशासन पुलिस प्रशासन और जंगल विभाग भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहरा सारा राज्य में चली लघु खनिज सामग्री बेधड़क लुट आउ चेई राजस्व विभाग केबे भांगिब विभाग कुंभकर्ण नीत यह उठी प्रश्न। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।